नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अक्षर को किस तरह से बिल्कुल सही परफेक्ट शेप में लिखना है। कई बार क्या होता है कि हम अक्षर तो लिखते हैं लेकिन वो दिखने में सुंदर नहीं होता है, तो उसके पीछे का जो कारण है वही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारा अक्षर देखने में बिल्कुल सुंदर या एकदम परफेक्ट क्यों नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम ये लाइन लगाकर देखेंगे। आज की वीडियो में हम ये लाइन लगाने के लिए जो धागे से लाइन लगाई जाती है और किस तरह से लगाई जाती है ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये धागा लिया है और ये धागे पर हमने चौक को इस तरह से घिसा। तो चौक जैसे ही हमने घिसा है तो इसका जो पाउडर है धागे पर लग गया है और धागे को हमने एक हाथ के छोटी उंगली में किस तरह से लपेटा था ये आपने पहले देखा होगा। तो दोस्तों, मैंने इस विषय पर पहले भी वीडियो बनाई है कि लाइन किस तरह से लगाई जाती है, तो आप उन वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने धागे को बिल्कुल सीधा पकड़ा है और ये एक अंगूठा और उंगली की सहायता से धागे को इस तरह से पकड़ना है और छोड़ देना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से धागे को चटका कर जो उसमें पाउडर लगा था पीछे बोर्ड पर सारा चिपक गया है, तो इस तरह से हमारी लाइन बन गई है। चलिए एक बार फिर से देखिए, ये इस तरह से हमारी लाइन लग गई है। दूसरी लाइन भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है अक्षर को बिल्कुल सही परफेक्ट शेप में लिखना। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुझसे संपर्क करना हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरी हर वीडियो में मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी लिंक अपनी सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक ही अक्षर को दो तीन बार लिखकर देखेंगे, तो उसी अक्षर में ही हम ये पता करेंगे कि ये अक्षर कहाँ से गलत है और कहाँ से सही है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले एक वर्ग बना लेना है, एक स्क्वायर बना लेना है, इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हैं। तो एक वर्ग के अंदर ही हम लिखेंगे। तो ये मैं सिर्फ सीखने के लिए ही बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह से वैसे लिखा नहीं जाता है, नहीं लिखते हैं। तो ये सिर्फ सीखने के लिए है ताकि ये अनुमान हमें हो सके कि किस तरह से हमने अक्षर को बिल्कुल सही शेप में लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे इस वर्ग के अंदर ही हमने लिखा, तो इस तरह से हमारा ये अक्षर परफेक्ट बना था। तो ये जो हमने लिखे थे ये इसमें देख पा रहे हैं कि आपने इसमें देखा कि क्या कमियां रह गई थी। तो इस तरह से हमारा एक अक्षर जो लिखा था वो ह अक्षर परफेक्ट बिल्कुल सही लिखा था। तो इस तरह से दोबारा देखते हैं, तो ये चार खाने हमने बना लिए हैं, चकोर जिसे स्क्वायर कहते हैं। बिल्कुल इसी के अंदर ही हम लिखेंगे, इससे बाहर नहीं लिखेंगे। जो लाइनें लगी है इससे बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो करना क्या है, हमें इसी तरह से ही अभ्यास करना है, लेकिन हमें वर्ग नहीं बनाना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अक्षर लिखने का एक और ये भी तरीका है कि ये जो ह अक्षर लिख रहे हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं।
ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि जैसे जो पहली लाइन लगी है सीधी खड़ी लाइन जो है, बिल्कुल उसी में ही आपको एक किनारे वाले जो इसके जो अंग हैं वो आपको एक ही लाइन में सीधे लाने हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये लौ अक्षर का भी हम इसी तरह से अभ्यास करेंगे। तो बिल्कुल इसको सही, बिल्कुल परफेक्ट लिखना है। यदि किसी अक्षर के अंग छोटे बड़े रह जाते हैं, कोई पार्ट छोटा बड़ा रह जाता है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने आपको ये एक सरल सा उपाय बताया है कि स्क्वायर में लिखना है, वर्ग के अंदर लिखना है। इस तरह से जो मैंने शुरू में जो वर्ग बनाया था तो उसी तरह से अभ्यास करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एंड स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर जाकर आप नई वीडियो देखें। नमस्कार।